प्रेमी दोस्तों, इस प्रकार से उत्तरा कुमारी के बार बार कहने के बावजूद भी अभिमन्यु युद्ध में जाने से इनकार नहीं करता है। तो अब तो उत्तरा कुमारी प्रार्थना करती है कि पियाजी ठीक है, यदि आप युद्ध में जाना चाहते हैं तो कम से कम मुझे इतनी इजाजत तो दें कि मैं भी आपके साथ में युद्ध भूमि में चलूं, और अगर बलिदान होने की आवश्यकता पड़ती है तो आपके साथ मैं भी बलिदान हो जाऊं। लेकिन अभिमन्यु समझाता है कि प्रिय, युद्ध भूमि में स्त्रियों का कोई काम नहीं और स्त्रियां युद्ध नहीं कर सकती। तुम्हारा तो इतना ही काफी एहसान मेरे ऊपर होगा कि तुम हिम्मत से काम लो और घर पर बैठ कर के ईश्वर से प्रार्थना करो मेरे जीवन की और मेरी जीत की। करके सबर बैठ जा उतरा कहूं तने समझा के, थारी गलिया चालू पिया कर में तेग उठा के, करके सबर बैठ जा उतरा कहूं तने समझा के, थारी गलिया चालू पिया कर में तेग उठा के, आ थारी गलिया चालू पिया कर में तेग उठा के। रणभूमि का कठिन मामला देख उड़े डर जागी, दुश्मन के छक्के छूटे जब काया क्रोध में भरी जागी, रणभूमि का कठिन मामला देख उड़े डर जागी, दुश्मन के छक्के छूटे जब काया क्रोध में भरी जागी, मेरी आब उतर जागी फिर साथ तने ले जाके, उसके कई की ढाल पिया में करके सबर बैठ जा उतरा कहूं तने समझा के, थारी गलियां चालू पिया कर में तेग उठा के, आ थारी गलियां चालू पिया कर में तेग उठा के। ख्याल राखिए इज्जत काइब जाऊं तने छोड़ के, समझदार ले समझी शर्म गहरी हाथ जोड़ के, ख्याल राखिए इज्जत काइब जाऊं तने छोड़ के, समझदार ले समझी शर्म गहरी हाथ जोड़ के, चक्र बहू ने तोड़ के उतरा फिर मिलूंगा के, करके सबर बैठ जा उतरा कहूं तने समझा के, थारी गलियां चालू पिया कर में तेग उठा के, और थारी गलियां चालू पिया कर में तेग उठा के।
पतिवरता का यो है धर्म, जो मानने की बात पति की। पतिवरता का यो है धर्म, जो मानने की बात पति की। शक्ति हो सैनार सती की, मोक्ष मिले पद पाके। यूं सोचे था साजन मेरे, क्यों ले आया था ब्याह के। यूं सोचे था साजन मेरे, क्यों ले आया था ब्याह के। करके सबर बैठ जा उतरा, कहूं तने समझा के। सच्चा प्रेम रहे जब प्यारी, जीत रहे मेरी रण में। देवरदान तू एक बेटी का मेरे कृष्णा मन में। सच्चा प्रेम रहे जब प्यारी, जीत रहे मेरी रण में। देवरदान तू एक बेटी का मेरे कृष्णा मन में। पाप कटेंगे हरि भजन में, गीत ज्ञान के गाके। सत्यपाल कह जाइए युद्ध में, करके सबर बैठ जा उतरा, कहूं तने समझा के।